हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो कंपनीज से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है कि ऑटो सेक्टर बहुत ही डाउन जा रहा है, और उसका रीज़न भी मैंने बहुत बार आप लोगों को वीडियो में बताया था। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने कहा था कि अगर आप ऑटो कंपनी के शेयर होल्ड करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कंपनी में इंटरनल कोई इशू नहीं है और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज लाई थी जिसके वजह से ऑटो सेक्टर पिट चुका था। सो सिमिलर वे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के पास ऑटो सेक्टर से रिलेटेड भी प्रस्ताव जा चुका था, और उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडी ऑप्शन, मतलब कुछ ना कुछ राहत वाली बात हम लोगों को गवर्नमेंट के पास से देखने को मिल सकती है। सो उसी से रिलेटेड एक आज अपडेट आया हुआ है। कल भी एक अपडेट आया था जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को न्यूज़ बताई थी, तो आज भी क्या अपडेट आया है उसी से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ NSE की निफ्टी ऑटो सेक्टर के ऊपर। बहुत टाइम के बाद करीब अगर आप काउंट करोगे तो कितने महीना के टाइम के बाद, मतलब एक महीना दो महीने के टाइम के बाद हम लोगों को ऑटो सेक्टर के सारे शेयर्स हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। बहुत टाइम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे शेयर, आप यहाँ पे नज़र डाल सकते हो, एंटायर सेक्टर में जितने भी शेयर है हम लोगों को आज ग्रीन निशान में देखने को मिल रही है। और आज भी हम लोगों को ये लाल निशान में कुछ शेयर देखने को मिल सकते थे, बट सडनली जब बाजार क्लोज होने के टाइम पे आया था तब वहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ से उन लोगों का रिप्लाई भी आया था। सो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और इस वीडियो में भी मैं कवर करना चाहता हूँ। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चार्ट दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले MRF शेयर का चार्ट आप देख सकते हो, बाजार नॉर्मली चल रहा था, आज ही के दिन का ये चार्ट है। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये वापस नीचे जाना शुरू हो चुका था, बट सडनली जैसे जैसे बाजार क्लोज होने के यहाँ पे आ गए तो एक ज़बरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिली ऑटो कंपनी में स्पेसिफिकली। सो ये था MRF का शेयर जो कि टायर कंपनी से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बजाज ऑटो का भी शेयर देख लेते हैं। तो ये देखिए, सडनली हम लोगों को रैली देखने को मिली जब बाजार क्लोज हो रहा था, वरना अगर आप देखोगे तो वापस ये शेयर नीचे ही जा रहे थे। सो डेफिनेटली देर इज अ सम काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़, आप ऐसा बोल सकते हो, और वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हीरोमोटो को भी आप देख सकते हो, जैसे ही बाजार क्लोज होने को आ गया था एक सडनली रैली दिखाई। एंड अगर ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर के ऊपर लिया है, और ये देखिए अशोक लेलैंड भी मैं बताना चाहता हूँ जो कि नीचे जा रहा था 61 की, यहाँ से भी नीचे जा रहा था, सडनली 63.60 की क्लोजिंग उसने दिखाई। सो अभी आप देख सकते हो सारे ऑटो कंपनी के शेयर एक ही टाइम पे एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाया। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है, सो वो न्यूज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के पास ऐसे जा चुके थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि महिंद्रा ने कहा था कि अगर ऐसा ही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि वो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे मैंने बहुत बार बोला था अशोक लेलैंड उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आप देखोगे आइसर मोटर उस कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई थी, कुछ डिसीजंस आए थे, उसके वजह से ऑटो सेक्टर दिक्कतों में आई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि महिंद्रा ने वॉर्न किया था कि सीधा गवर्नमेंट को कि अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो बहुत सारे जॉब हम लोग लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट की कटिंग करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली अननेसेसरी सैलरी किसी को भी देना एंड कॉस्ट ले लेना, तो डेफिनेटली अगर आने वाले फ्यूचर के जो क्वार्टरली रिजल्ट रहेंगे वो भी ख़राब दिखेंगे। सो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो जॉब लॉस और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हुए चला जाएगा। एंड उसी के आगे उन्होंने लिखा था कि गवर्नमेंट से वो हेल्प की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जो ये नेगेटिव सेक्टर आया है इस दौरान अगर जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के वजह से आया हुआ है। सो आप भी आगे देख सकते हो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटो इंडस्ट्री टू फाइनेंस मिनिस्टर की ब्रिंग डाउन द GST रेज अ डिप्रिसिएशन रेट, अगर ये ऐसा होता है तो डेफिनेटली बहुत सारा थोड़ा बहुत राहत मिलेगी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जो कि थोड़ा सा मिला हुआ है। अगर हम लोग और भी देखेंगे तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि सेल्स अगर डिक्लाइन होती है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एंड सिमिलर चीज़ें कंटिन्यू रहती है तो जॉब कट हो जाएंगे एंड उसी का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। आगे भी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ऑटो इंडस्ट्री ये जो सीख कर रही है पैकेज फ्रॉम अ गवर्नमेंट, वो बहुत ही गवर्नमेंट से जो पैकेज है उसकी अपेक्षा कर रही है। सो यही न्यूज़ के चलते आज भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है। आगे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल NBFC में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हम लोग को ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोन्स प्रोवाइड नहीं हो रहे NBFC के द्वारा। हम लोग आगे भी ये भी पढ़ सकते कि बैंक्स गो स्लो डाउन ऑन लेंडिंग टू द ऑटो डीलर्स।
सो ये न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक किसी ऑटो डीलर को लोन नहीं देना पसंद करती, क्योंकि बैंक्स को भी पता है ऑटो सेक्टर का हालत अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है, सेल्स नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली सेल्स नहीं होगा तो पैसा रिकवर कैसा होगा, मतलब उनका लोन शायद से NPA बन सकता है। सो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट के पास जा चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी जा चुकी है, एंड उसी से रिलेटेड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ चुकी है। कुछ चीज़ें मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि गवर्नमेंट ने बीच में अनाउंस किया था कि 2023 तक, वापस रिपीट करना चाहता हूँ, 2023 तक जितनी भी टू व्हीलर्स व्हीकल रहेंगी, बाइक अगर आप बोल सकते हो, जो पेट्रोल पे चलती है, उसके ऊपर पाबंदी लाने का प्लान किया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहते थे। एंड जितने भी थ्री व्हीलर्स व्हीकल है उसको 2025 तक, उसके बाद वो पाबंदी लाने वाले थे, क्योंकि वापस जैसे मैंने बोला, जितने भी कंपनीज है मैन्युफैक्चरर, उनको उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाओ, हम लोग ये बंद करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली उसी का इम्पैक्ट गिरा था, बट आज फाइनेंस मिनिस्टर से एक थोड़ी सी राहत वाली बात सामने आ सकती है कि ये जो पाबंदी वाला पीरियड है वो शायद से एक्सटेंड कर सकेंगे, तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर को थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। सो जैसे ही ये न्यूज़ सामने आ गई थी कि टू व्हीलर से रिलेटेड जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उसको टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए आप देख सकते हो बजाज ऑटो जैसे कंपनी सडनली इतना ज़बरदस्त रैली दिखाया कंपनी के शेयर ने। मतलब मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ कि कितना प्राइस था, 2616 था, और अगर आप देखोगे तो 2707, इतना ज़बरदस्त आप लोगों करीब करीब आप बोल सकते हो 100 पॉइंट्स की जंप दिखा दी एकदम लास्ट सेशन में। सो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो थ्री व्हीलर्स थी उनका जो टाइम है 2025 वो भी एक्सटेंड हो सकता है, ऐसे बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है। एंड जो फोर व्हीलर्स थी उनको कहा है कि ऐसा उनके ऊपर कोई भी पाबंदियां नहीं लगाएंगे, ऐसी भी न्यूज़ सामने आ रही है, इसलिए आप देख सकते हैं जितने भी फोर व्हीलर्स की भी गाड़ियां थी उनके शेयर्स में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। सो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दोपहर को बहुत ही लेट टाइम पे देखने को मिली थी, जब बाज़ार क्लोज होने को आ रहा था। सो जब फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसे पूछा गया तो वहीं से दो रिप्लाई आए थे, आप सभी लोगों को पता है, दो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। सबसे पहले जो फॉरेन निवेशक थे FIS एंड FPS से सरचार्ज से रिलेटेड क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने कहा है कि ये बातें जो प्रोग्रेस में चल रही है, क्योंकि जुलाई 5 के बाद क्या ऑप्शन क्या रेमेडी निकालना है उसके ऊपर बातें की है, टैक्सेस में देख रहे हैं, लॉस को देख रहे हैं कि क्या उनको राहत कैसी मिलेगी। सो उसी से रिलेटेड एक अपडेट था। एंड सेकेंड अपडेट था ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जैसे वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जितनी भी टू व्हीकल है वहाँ पर जो पाबंदी लगाई थी शायद से वो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की थी कि ऐसा हो सकता है कि ऑटो सेक्टर को गवर्नमेंट से करीब करीब 1,00,000 करोड़ का पैकेज जाहिर हो सकता है। सो ये अगर ये होता है, वापस कह रहा हूँ ये अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये सारी अभी तक सुनी हुई ऊपर की बातें, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। जैसे आप सभी लोगों को पता है PSU बैंक को 70,000 करोड़ जैसे दिए थे, वैसे ही ऑटो सेक्टर को शायद से 1,00,000 करोड़ मिल सकते हैं। अगर ये मिलते हैं, फंडिंग मिलते हैं, तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के लिए एक थोड़ा बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि जैसे कहा था कि जितनी भी राहत वाली बातें थी वो बायर्स के लिए थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर बनाने हैं तो मैन्युफैक्चरर के लिए इतने बहुत सारी राहत वाली बातें नहीं थी। फॉर एन एग्जांपल, टैक्सेस में छूट किसको मिलेगी, जो खरीदने वाला है उसको, वहाँ पे उन लोगों को राहत मिलेगी। GST में कटौती होती उसकी वजह से प्राइस कम होगा, डेफिनेटली वहाँ पे भी बायर को ही अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला था। बट जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर, उनको ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली उनके लिए वो लॉस ही था, और उनका पुराना जितनी भी इन्वेंट्री रहेगी, जितनी गाड़ियाँ बनेगी, वो भी सोल्ड आउट नहीं हो पाएगी। सो उसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर से फ्यूचर में हम लोगों को पॉजिटिव कॉमेंट्री या फिर कोई भी ऑप्शन देखते हुए मिल सकता है। सो आज यही न्यूज़ सामने आई थी, जो थी एक फॉरेन इन्वेस्टर के रिलेटेड, एंड सेकेंड थी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, और इसीलिए बाज़ार क्लोज होते हुए एक बहुत ही अच्छा खासा मूड बना, और बाज़ार में भी एक अच्छा खासा जंप हम लोगों को देखने को मिला। सो ये आगे फ्यूचर में क्या होता है वो तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर ही रहेगा कि वो फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं। सो सारी लोगों की नज़रें उसके ऊपर ही टिकी हुई है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।